इस साल सीबीएसई आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों के साथ बैठक कर ये बड़ा फैसला लिया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कोरोना को लेकर जिस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इंटरनेशनल यात्रियों के लिए आज से भारत में रैंडम कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया है। इंटरनेशनल उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम टेस्ट किया जाएगा। फ्लाइट के 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट होगा। सुबह 10 बजे से रैंडम टेस्ट का ये नियम लागू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कई राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। आप जानते हैं दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो फिर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी। और इससे यानी लॉकडाउन से बचना, कोरोना से बचना बेहद जरूरी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। महाराष्ट्र मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सरकार एक्शन में आ गई है। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान अगर लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आए तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों को घरों के बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना पर डीडीएमए की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। देश की राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शनिवार और रविवार के दिन